फ्रेंड्स वेलकम टू चावला मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में करेंगे एचपी जीके के 100 क्वेश्चन जो कि आपके एचपी बीएड एंट्रांस में 5 सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें इंडिया जीके भी रहेगा, साइंस के क्वेश्चन भी रहेंगे और एचपी जीके के भी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स जैसे आप साइड में देख रहे हैं, जिनको एचपी बीएड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए 8 सालों के विधानसिकी के साथ साथ में बेस्ट स्टडी मटेरियल की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है क्वेश्चन पेपर, तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे लिखा आएगा एचपी बीएड एंट्रांस 8 क्वेश्चन पेपर विद आंसर की के साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल पीडीएफ। तो कईयों को लिंक शो होगा यहाँ पे और कईयों को यहाँ पे यूट्यूब वाला लिंक शो होगा, तो जो भी होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मैंने बताया है जो पीडीएफ है वो कैसे डाउनलोड करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित झील है यानी कि कौन सी कृत्रिम झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोविंद सागर। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक भी नहीं। नेक्स्ट है, कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1903 में। नेक्स्ट है, कुल्लू किस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दशहरा। नेक्स्ट है, कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल कब आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 अप्रैल 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल का राज्य पुष्प कौन सा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा गुलाबी बुरांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कब बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कांगड़ा किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा नगरकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांझर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चंबा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ताल हिमाचल में कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रेणुका। रेणुका झील किस जिले में है, सिरमौर में है और रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सतलुज। नेक्स्ट है, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शिला। किस डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर में है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में निम्नलिखित में से किसे राज्य मेला घोषित किया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा रिवाल्सर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नौर में नव वर्ष के त्यौहार को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया बीमारी है तो किससे है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा रक्त की। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग पद का अर्थ है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तापमान में उछाल। नेक्स्ट है, भारत में नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांबर। और किस राज्य में है, ये राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष कीट पालन से अभिप्राय है। तो क्या है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा रेशम के कीड़ों के जनन का तरीका। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, उत्पादन के आधार पर भारत की मुख्य खाद्य फसल है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो कौन सा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है, 11 अक्टूबर 2016 को भारत के कौन से राज्य ने 21 नए जिले बनाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो कब, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जुजुराना। नेक्स्ट है, कांगड़ा का प्राचीन नाम कौन सा था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा त्रिगर्त। नेक्स्ट है, मंडी टाउन स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा राजा अजमेर सेन द्वारा। नेक्स्ट है, रास बिहारी बोस 1913 में कहाँ ठहरे थे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा लौह स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमीरपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को हिमाचल प्रदेश का मशरूम जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलन मशरूम सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिमला। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पठानकोट से मंडी तक का NH नंबर डैश है तो कितना है? 20। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली में हडिम्बा देवी जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, RBC ने। नेक्स्ट है, पोंग बांध है तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांगड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो कहाँ पे होती है? हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिमाचल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस है तो सारे गलत हैं, 15 अप्रैल को होगा। ठीक है, है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, सेकुलर शब्द कितनी बार हमारे संविधान में आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक बार। नेक्स्ट है, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हॉकी से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संघीय रूप और एकात्मक भावना में। नेक्स्ट है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, गुरु गोपी कृष्ण भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए लोकप्रिय है? तो ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में BC रॉयो अवार्ड दिया जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। और फ्रेंड, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? ए ऑप्शन कपास, बी ऑप्शन मक्का, सी ऑप्शन अरहर, तो डी सही हो जाएगा, सरसों। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भुल्लर झील। नेक्स्ट है, संगाई महोत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पजोता को निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश का मुख्य स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उधम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मलाणा के बारे में सत्य है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मलाणा विश्व का सबसे पुराना प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा के बारे में क्या सबसे अधिक सत्य है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह कुल्लू व लोहल घाटी के बीच एक प्राकृतिक दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पे खजियार होगा। कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा रेल मार्ग नहीं है? तो ऑप्शन डी सही जाएगा, मनाली कुंजम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ हवाई अड्डा नहीं है? तो ऑप्शन डी सही जाएगा, अझोग। कुल्लू मनाली में भी है, शिमला में भी है, कांगड़ा में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश में सबसे कम तापमान कहाँ रहता है? तो ऑप्शन बी सही जाएगा, लाहौल स्पीति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से नहीं नवाजा गया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अविनाश दीक्षित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित क्रिकेट वर्ल्ड कप को किस देश ने जीता था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन अधिनायक को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था तो कब? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगा खां कप संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फुटबॉल से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया था तो सी सही हो जाएगा, तो किसके लिए किया गया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागरिकों को वित्तीय समावेश प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जम्मू व कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल वाहनों के द्वारा उत्सर्जित गैस जो वायु को मुख्य रूप से प्रदूषित करती है तो कौन सी है?
ऑप्शन बी सही जगह कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत में साक्षरता की दर है तो कितनी? ऑप्शन बी सही होगा 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस है तो कौन सी है? ऑप्शन बी सही होगा एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय है तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए सही होगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में फलों को संसाधित करने वाला सबसे बड़ा कारखाना है तो कहाँ पे है? ऑप्शन सी सही होगा परमाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है तो ऑप्शन ए सही होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वातानुकूलित डबल डेकर शताब्दी रेलगाड़ी डैश के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है तो ऑप्शन बी सही होगा मुंबई से गोवा। क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल में। और किस नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर है। और भाखड़ा बांध किस डिस्ट्रिक्ट में है? यह है बिलासपुर में, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, बनारस किस नदी के किनारे स्थित है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंतर हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र वरोड गेज रेलवे लाइन कौन सी है तो ऑप्शन ए जगह ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा का मिंजर मेला कब लगता है तो ऑप्शन डी सही जगह अगस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाल देहरा पिकनिक रिसोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो ऑप्शन डी सही जगह शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टोंकरी लिपि में लिखी जाती थी तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चंबियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकारी के लेखक कौन है तो ऑप्शन डी सही जगह MS रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल का राज्य पक्षी कौन सा है तो ऑप्शन बी सही जगह झुझुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध के बनने से कौन सा स्थान डूब गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपीपुर। पूरा नाम है देहरा गोपीपुर। और किस डिस्ट्रिक्ट में है फ्रेंड्स? ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जिनको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और फ्रेंड्स जिन्होंने वो PDF डाउनलोड कर ली है, और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये सारे क्वेश्चन पेपर 8 सालों को, ये क्वेश्चन पेपर पूरे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसमें स्टडी मटेरियल भी है, पर क्वेश्चन पेपर का आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स। आपको पता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। जल्दी मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत।